बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में हम बात कर रहे थे दाजू कहानी की, जिसके लेखक है शेखर जोशी। इस कहानी के कथानक से संबंधित चर्चा अपनी चल रही थी। आज उसी बिंदु पर आगे बढ़ते हुए इस कहानी का आगे का जो कथानक है उसके बारे में बातचीत करते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि ये जो दाजू शब्द है ये पहाड़ी भाषा कुमाऊनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बड़ा भाई। वहाँ बड़े भाई को दाजू कहकर संबोधित किया जाता है। और ये कहानी रची गई है अल्मोड़ा से संबंधित एक जो गांव है वहाँ की घटना को लेकर ये कहानी रची गई है। ये जो लड़का मदन है ये अल्मोड़ा का रहने वाला है, ये जगदीश बाबू भी वहाँ का रहने वाला है। और मदन एक कैफे में वेटर का काम करने के लिए आता है और वहाँ जगदीश बाबू से उसकी मुलाकात होती है। जगदीश बाबू उसी के पास के गांव का रहने वाला है। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी जान पहचान हो जाती है और मदन जगदीश बाबू से बहुत ज़्यादा अपनत्व रखने लगता है। ये लड़का ये सोचने लगता है कि जगदीश बाबू में वो अपने बड़े भाई का रूप देखने लगता है। और ऐसा करते करते दोनों के बीच में अच्छी बातचीत होती रहती है। हमेशा मैंने आपको बताया था कि जगदीश बाबू उस कैफे में आते हैं जहां मदन नौकरी करता था। और दोनों का जब परिचय होता है तो जगदीश बाबू से हर समय, जैसे ही जगदीश बाबू रोज़ उस कैफे में आते हैं तो मदन आते ही उनसे बात करता है जय हिंद दाजू। कभी उनसे पूछता है कि दाजू आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, कभी कहता है क्या यहाँ भी हिम गिरेगी या बर्फ़ गिरेगी, कभी पूछता है कि आपने खाना कम खाया। और जैसे ही जगदीश बाबू कैफे में जाकर बैठते हैं तो बैठते ही मदन तुरंत लपक कर उनके पास आता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या चाहिए। जगदीश बाबू के एक इशारे पर ही मदन सब कुछ उनके लिए लेकर आता है। जब जगदीश बाबू पानी के लिए कहते हैं तो मदन हाजिर है, जब जगदीश बाबू चाय के लिए कहते हैं तो भी मदन हाजिर है, जब जगदीश बाबू कुछ खाने के लिए मंगाते तो भी मदन सबसे पहले उन्हीं की सेवा में हाजिर रहता है। दोनों के बीच में अपनत्व ऐसे हो जाता है, मदन की स्थिति ऐसी हो जाती है जगदीश बाबू के प्रति, जिनको अपना भाई समझता है। तो ये मदन की स्थिति ये रहती है कि जिस प्रकार से कई दिनों से बिछड़े हुए बेटे को माँ जैसे चूमने लगती है, उसी प्रकार से मदन जगदीश बाबू से अपनत्व रखने लगा था। अब धीरे धीरे जगदीश बाबू की जो जान पहचान है वो केवल चौक या कैफे तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वो पूरा बाजार, वहाँ के सभी लोग उन्हें अपने लगने लगे। पूरे शहर में उनकी जान पहचान के बहुत सारे लोग हो गए तो जगदीश बाबू का जो अकेलापन था वो बिल्कुल दूर हो गया। पहले उस अकेलेपन को मदन से बातचीत करके दूर करते थे, लेकिन अब उन्हें किसी से बातचीत की ज़रूरत नहीं रही। अब मदन जैसे ही जगदीश बाबू कैफे में आए तो दाजू दाजू की रट लगाए रखता है हमेशा। एक दिन जगदीश बाबू जैसे ही कैफे में पहुंचे तो मदन उनसे बोलने लगा कि क्या चाहिए दाजू, बैठिए दाजू। तो जगदीश बाबू ने मदन को अपने पास बुलाया कि मदन इधर आओ, ये तुमने क्या दाजू दाजू की रट लगा रखी है, तुम्हें मेरी प्रेस्टिज का भी ध्यान नहीं है। प्रेस्टिज का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, मान सम्मान या इज्जत, कि तुम्हें मेरी इज्जत या मान सम्मान की भी परवाह नहीं है। कम से कम तुम्हें एक बात करने का पता तो होना चाहिए, मैं तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ एक अधिकारी हूँ और एक अफसर अधिकारी से कैसे बात की जाती है ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ जगदीश बाबू की मध्यम वर्गीय जो संस्कार थे वो जागृत हो गए। तो ये जो निम्न वर्गीय जो बच्चा मदन था इसके ऊपर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय जो संस्कार थे वो काफ़ी भारी पड़ गए। और जगदीश बाबू की ये बात सुनकर मदन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वो मैनेजर से सिरदर्द का बहाना करके अलग एक अंधेरी कोठरी में चला जाता है और वहाँ अपने पैरों में अपना सिर छिपाकर रोने लगता है। उससे बड़ा दुख हुआ। वो सोच रहा था कि यहाँ दूर देश में मेरे प्रवासी जीवन में पहली बार मुझे कोई अपना व्यक्ति मिला था, जिससे मैं ये सोच रहा था कि जगदीश बाबू के रूप में जैसे मुझे अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई मिल गया। लेकिन जब इन्होंने मदन का तिरस्कार किया, उसको अपमानित किया, तो मदन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उसके ऊपर पहाड़ का सा दुख टूट पड़ा है, क्योंकि ये पहाड़ी
क्षेत्र का ही रहने वाला था। तो जैसे पहाड़ में रहना काफ़ी मुश्किल होता है, उसी प्रकार से यहाँ अपनी मुश्किल दूर उन्होंने जगदीश बाबू से करनी चाहिए, लेकिन जगदीश बाबू के इस बदलते व्यवहार के कारण मदन के ऊपर बहुत बड़ा दुख टूट पड़ा है। मदन मन ही मन में दुखी रहने लगा, ये बात किसी से कह नहीं सका। ये जो 9-10 वर्षीय जो बालक था, इस बालक की पीड़ा जगदीश बाबू ने बिल्कुल भी नहीं समझी। जगदीश बाबू ने केवल इस मदन का एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया। जब तक जगदीश बाबू की जान पहचान अन्य लोगों से नहीं थी, तब तक तो मदन से अच्छा व्यवहार रखा और अन्य लोगों से जान पहचान होते ही अपने आप को अधिकारी मानने लगे। उन्होंने ये बात भुला दी कि उनके इस व्यवहार से इस बालक के ऊपर क्या बीतेगी, ये उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। एक दिन जगदीश बाबू के साथ उसके बचपन का सहपाठी हेमंत उस कैफे में आते हैं। कैफे में आते ही जैसे ही मदन को देखते हैं तो जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, लेकिन मदन इस तरीके से उनसे दूर रहने लगा जैसे दोनों की कोई जान पहचान ही नहीं हो। जब दूसरी बार जगदीश बाबू ने मदन की तरफ इशारा किया तब भी वो आया, और अब की बार उसने दाजू साहब नहीं बोला, बोला क्या साहब। हेमंत उसकी बात सुनकर कहता है कि देखने में ऐसा लगता है जैसे पहाड़िया हो, अर्थात पहाड़ का रहने वाला हो। तो जगदीश बाबू ने कहा कि हाँ होगा, क्योंकि जगदीश बाबू को अब मदन में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। जबकि हेमंत एहसान जताने के लिए उस लड़के से पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा। अब की बार जो मदन है वो ठोकर खा चुका था तो इन बड़े लोगों की बातों में नहीं आया। उसने कहा कि बोई कहते हैं साहब, कि कोई नाम तो होगा, तो ये अपना नाम बताता है कि मदन। आपको नाम से क्या लेना देना, आप बताइए आपको क्या चाहिए। इस तरीके की बात मदन इन दोनों से करता है। हेमंत जगदीश बाबू से कहने लगता है कि ये पहाड़ के नन्हे नन्हे जो बालक है किस तरीके से विवश होकर यहाँ नौकर के रूप में काम करने को मजबूर है। तो जगदीश बाबू कहते हैं कि तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना, तुम्हें क्या चाहिए वो ऑर्डर करो। तो ये जगदीश बाबू ही ऑर्डर करते हैं कि 2 चाय और 2 आमलेट लेकर आओ। मदन जाता है और चुपचाप किसी अजनबी को जिस तरीके से के साथ वो व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार आज मदन कर रहा है। चुपचाप उनके सामने चाय वगैरह लाकर रख देता है और वापस अपने काम में व्यस्त हो जाता है। आज मदन को ऐसा लगा कि जिस प्रकार से जगदीश बाबू जो पहले उनके लिए भाई के समान थे, आज एक अनजान व्यक्ति उनके सामने बैठा है। तो कहानी का जो कथानक है वो संक्षिप्त है, लेकिन इस कथानक में लेखक शेखर जोशी ने ये बात बताई है कि अक्सर जो बड़े लोग होते हैं वो अपना बाबूपन या अपना अधिकारीपन जो है वो नन्हे बच्चों पर किस तरीके से थोपते हैं और इन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर क्या बीतती है। पहले उनके साथ अपनत्व का व्यवहार करेंगे, फिर उनके साथ किस प्रकार से कठोरता का व्यवहार करेंगे। जो हम ये कह सकते हैं कि इस कहानी का जो शीर्षक दाजू रखा है कि दाजू कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अर्थात बड़ा भाई कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने छोटे भाई के साथ दुर्व्यवहार करे, लेकिन कहानी का जो पात्र है जगदीश बाबू उसका व्यवहार मदन के साथ किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है। क्योंकि मदन बिल्कुल एक निश्चल प्रवृत्ति का बालक था, उसके मन में दूसरों के प्रति हमेशा अपनत्व भरा रहता था और इससे अपने प्रवासी जीवन में पहली बार उसको ये लगा कि कोई उसका अपना आ गया है। लेकिन जब उस अपने ने ही उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई तो हम ये कह सकते कि मदन ये सोचकर दुखी रहने लगा कि यहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं है। तो कहानी हमें ये बताती है कि किसी भी स्थिति में हमें किसी भी व्यक्ति या मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, इस बात को लेकर ये कहानी शेखर जोशी ने रची है। दूसरी इस कहानी में ये बात बताई गई है कि वास्तव में जो पहाड़ के रहने वाले जो लोग हैं, पहाड़ी जो जनजीवन है वो कितना संघर्षपूर्ण होता है, उसकी एक जीवंत झांकी हम इस कहानी में देख सकते हैं। दाजू कहानी में
कि पहाड़ी जो नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से मैदानी भाग में आकर छोटी मोटा काम या नौकरी करनी पड़ती है, ये उनकी व्यवस्था है। वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता जिनको देखकर हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं, वहाँ के निवासियों के लिए वही एक विकृति का रूप ले लेती है। कारण क्या है कि हम अगर पर्यटन की दृष्टि से जाए, भ्रमण की दृष्टि से जाए, तो वो जगह हमें बहुत ही आनंदित लगती है, लेकिन जब वहाँ स्थायी रूप से हम रहने लगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में पहाड़ पर रहने वाले लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। और इस संघर्ष का जीता जागता उदाहरण ये नन्ना सा बालक है मदन, जिसको मजबूर होकर अपनी पढ़ाई के समय में छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ रही है। अब हम अपनी अगली कक्षा में इसी अध्याय से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से अपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनसे संबंधित चर्चा करेंगे।